मुझे सारी चीजें मैंने बनाई, लिप स्क्रब की तो मैं दीवानी हो गई, क्योंकि उससे जितनी भी डेड स्किन है आपकी, फर्स्ट टाइम यूज में ही वो सारी चीज निकाल देगी। तो फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वातिज वर्ड एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल में देखकर समझ लिया होगा कि मैं आज किसके बारे में। बेबी ऑयल को हम एक साधारण बेबी ऑयल समझ लेते हैं, जो कि हम समझते हैं कि सिर्फ बच्चों की मालिश के लिए ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जो होता है उसमें विटामिन ई की मात्रा जो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, सपल होती है, इसीलिए उस तेल को बनाया गया है बच्चों की स्किन को ध्यान में रखते हुए। बट हमारी स्किन पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स वो क्या क्या वर्क करता है और किस तरह से करता है, तो फ्रेंड्स जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करती हैं DIY फेस ऑयल। जी हाँ दोस्तों, फेस ऑयल जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल बना देता है, ये फेस ऑयल हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 3 से 4 चम्मच ले लेना है बेबी ऑयल। उसमें हमें ऐड करनी है 1 से 2 चम्मच आप ले सकती हैं यहाँ पर जैतून का तेल। तो फ्रेंड्स आप जैतून का तेल भी ले सकती हैं और कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो फ्रेंड्स 1 से 2 चम्मच हम इसके लेंगे, प्लस उसमें आपको 3 से 4 स्ट्रैन जो हैं या तो सैफ्रन की आप डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल हल्दी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास एल्फ गुडनेस की अम्बा हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक है तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देगी, अगर नहीं है तो आप घर की जो घरेलू हल्दी होती है उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी लेकर उसमें डाल सकती हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स मिक्स करने के बाद ये एक हमारा तैयार हो जाता है फेशियल ऑयल। इसको फ्रेंड्स आपको कैसे लगाना है, फ्रेंड्स इसको आपको रात को सोते समय लगाना है, दिन में आप जब फेस वॉश कर लेते हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपकी स्किन में ये एक जादुई चमक लेकर आएगा, जो आपके महंगे महंगे ऑयल्स होते हैं, सीरम्स होते हैं, वो सारी गुडनेस जो है आपको इस ऑयल में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स है ना कमाल की चीज़। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम बनाने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड DIY। फ्रेंड्स सेकेंड DIY बनाएंगे हम अपना नाइट क्रीम। जी हाँ फ्रेंड्स DIY नाइट क्रीम बनाएंगे। जैसे कि हमारी एज है बढ़ रही है तो बढ़ती उम्र में हमें नाइट क्रीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी फाइन लाइंस वगैरह हैं वो आ जाती हैं हमारी स्किन पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती हैं हमारी स्किन पर। तो फ्रेंड्स लाफिंग लाइन आ जाती हैं यहाँ पर, हमारे आई पैचेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये DIY जो क्रीम है ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा हमारी स्किन पर। तो फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेबी ऑयल की। उसमें हमें ऐड करना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल। फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी स्किन के लिए जब हमारी एजिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं तो ये विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी स्किन को क्योर करने के लिए। तो हमें यहाँ पर विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो डालने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स आप ये ब्रांडेड एलोवेरा जेल लें, प्लांट का एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स अगर आप 2-3 दिन के लिए बनाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फ्रेंड्स ये जो मैं प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ DIY, ये आप 10 से 15 दिन 20 दिन अपने घर पर रख सकती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये आपका बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे। बट अगर आप प्लांट का एलोवेरा जेल लेती हैं तो फ्रेंड्स वो थोड़ा सा नहीं चल पाएगा ज़्यादा दिन के लिए, तो फ्रेंड्स उसको अवॉइड कीजिए और ये एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको डालने हैं इसमें 3 से 4 स्ट्रैन सैफ्रन की। तो फ्रेंड्स सैफ्रन डाल सकते हैं या फिर आप वही हल्दी जो है वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हल्दी जो होती है एंटी बैक्टीरियल होती है, जो हमारी स्किन को रिपेयर करती है। और फ्रेंड्स जब हम ये रात में लगाते हैं, रात में लगाकर इसे छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी स्किन पर, हमारी जो फाइन लाइंस हैं वो हमारी ये रिमूव कर देती है, इसको रिड्यूस करती है। और फ्रेंड्स ये हमारी रंगत को भी थोड़ा सा निखारती है, जैसा कि सैफ्रन या हल्दी चेहरे को निखारने के काम में आती थी, हमारे रंगत को गोरा करने के काम में आती थी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम ये इसमें ऐड करेंगे और हम भी अपने जो रंगत है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करेंगे। कैसे लगाना है फ्रेंड्स, इसको भी लगाने का जो तरीका है वो यही है, रात को आप अपना फेस वॉश कीजिए और उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में लेकर इसको आप अपने फेस पर अप्लाई करके सो जाइए।
सुबह आप देखेंगी आपकी स्किन एक बहुत ही ज़्यादा स्किन में प्लम्प आ गया है, और जब आप इसको डेली यूज़ करेंगी तो आप अपनी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव होता हुआ खुद ही पाएंगी। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये तो हो गई हमारी स्किन की बात, अब चलते हैं हम अपने लिप्स पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाने वाले हैं यहाँ पर DIY लिप बाम। फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्केट में जो लिप बाम है उसकी भरमार है, बहुत ही कम क्वांटिटी हमें हाई रेट पर मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल कंडीशन हो गई है मार्केट में। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम घर पर ही इस तरह का DIY बनाएं जो हम यूज़ करें, और हमें उसमें पता भी होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं और कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते। तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, आपके जो लिप्स हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, प्लस आपकी इसमें कलर भी ऐड हो जाएगा जिससे आपके जो लिप्स हैं वो पिंकिश नज़र आएंगे। तो देख लेते हैं उसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें लेना है 2 टेबल स्पून बेबी ऑयल, उसमें ऐड करनी है हमें 1 से 2 चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जेली की। उसके बाद आप कोई भी अपना फेवरेट जो लिप कलर है वो ले सकती हैं, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको उसको लेना है। या तो आप माइक्रोवेव में इसको 30 सेकंड के लिए रख दें, या फिर आप इस तरह से मोमबत्ती की हेल्प से भी इसको आप मेल्ट कर सकती हैं, या फिर आप इस तरह से डबल बॉयलर से इसको मेल्ट कर सकती हैं। मैंने लिपस्टिक की बहुत ही कम क्वांटिटी इसमें ऐड की है, आप चाहें तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकती हैं। मेल्ट करने के बाद आप कोई भी जो खाली लिपस्टिक हो या कोई भी आपके पास खाली कंटेनर हो वो ले लीजिए, उसमें इसको फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो लिपस्टिक का कंटेनर था मैंने इसमें ऐड कर लिया है इसको, और इसमें इसको भरने के बाद में आप आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख दें, क्योंकि इस समय सर्दियों का सीज़न है तो फ्रीज़र में ना रखिए, फ्रीज में रख दीजिए, तो ये थोड़ा सा आपका हार्ड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक लिप बाम की कंसिस्टेंसी में। तो फ्रेंड्स ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके जो लिप्स हैं वो नरम मुलायम तो हो ही जाएंगे, आपके जो लिप्स हैं उस पर एक पिंकिश जो रंगत है वो भी आ जाएगी। ट्राई कीजिएगा इसको भी। चलते हैं अपने भाई है मेरा DIY लिप स्क्रब। जी हाँ दोस्तों, लिप बाम के बाद आते हैं हम लिप स्क्रब पर, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, लिप स्क्रब करना है, उसके बाद आपको लिप बाम अपने होठों पर अप्लाई करना है। प्रोसीजर देख लेते हैं करूँगी। तो पहले हम लिप स्क्रब के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो लिप्स हो जाते हैं विंटर सीजन में स्पेशली चैप्ड हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्किन उसकी रफ़ हो जाती है, कोई भी उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहती। तो फ्रेंड्स उसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी डेड स्किन है उसको निकालना है। डेड स्किन निकालने के बाद आपको इस पर एक मास्क लगाना है, और उसके बाद आपके लिप्स होंगे बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल एंड नरिश। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए मार्केट में आप जाएंगे तो फ्रेंड्स जो लिप स्क्रब हैं वो 100-200 की MRP के साथ आपको मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको सस्ता घरेलू टिकाऊ जो तरीका है वो बताने वाली हूँ, DIY बताने वाली हूँ। घर पे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा आपके जो लिप्स हैं नरम मुलायम आपके होठ हो जाएंगे, कटे फटे जो भी होंगे सब क्योर हो जाएंगे। बनाने के लिए आपको ले लेना है एक कोई भी इस तरह का आप बर्तन ले सकते हैं, या कोई भी आपके पास कांच का या कोई भी पीसने के लिए आपको ये चाहिए, तो आपको यहाँ पर लेनी है सबसे पहले 1 चम्मच चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी जो होती है एक बहुत ही अच्छा स्क्रब है हमारी स्किन के लिए भी और हमारे स्पेशली होठ के लिए भी। तो फ्रेंड्स आप सोचेंगे चीनी तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो फ्रेंड्स सब्र कीजिए, उसके लिए भी मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले लेंगे आप 1 चम्मच चीनी, उसमें ऐड करेंगे रोज़ पेटल। तो फ्रेंड्स अगर रोज़ पेटल हैं आपके पास में तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है, नेचुरल चीज़ है बिल्कुल। और अगर आपके पास नहीं है तो आप रोज़ पेटल पाउडर भी इसमें ऐड कर सकती हैं 1 चम्मच। उसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से पीस लेंगी। तो फ्रेंड्स ये आप चकला बेलन पर भी कर सकती हैं, या आप किसी के पास कोई भी पीसने का जिसमें आप कुछ भी कूटती हैं पीसती हैं ये आप उसमें भी कर सकती हैं, जैसे कि आप अदरक कूटने वाला होता है उसमें भी कर सकती हैं, उसको धोकर अच्छी तरीके से साफ करके कर सकती हैं, उसमें अच्छी तरीके से इसको पीस लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसमें ऐड करती जाएंगी 3 से 4 बूंद बेबी ऑयल। तो फ्रेंड्स बेबी ऑयल आप देख लीजिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा सोखता जाएगा तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब उसमें धीरे धीरे करके ऐड कर देंगी बेबी ऑयल की। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो जाएगा आपका लिप स्क्रब।
इसको आप एक प्लास्टिक की डब्बी में भर कर रखिए, जब भी आपको लगाना है इसमें से लीजिए और आप पाएंगे इसका बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको इसको लगाना बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में अगर आपके होंठ हैं तो इसको आप यूज़ मत करिए। अगर आपके नॉर्मली रूखे सूखे फटे होंठ हैं, नॉर्मली जो होते हैं हम लोगों के, तो आप उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। आपका वन यूज़ में ही ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये थोड़ा सा लेना है और आपको हल्के हल्के हाथों से अपने लिप्स की मसाज करनी है। तो फ्रेंड्स मसाज आपको तब तक करनी है जब तक जो छोटे छोटे चीनी के जो ग्रैनुल्स हैं वो हमारे मिक्स ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट आप करेंगी क्योंकि उसमें तेल भी डला हुआ है तो वो अपने आप ही उसमें मेल्ट हो जाएगी। तो आपको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से इसको अपने होठों पर स्क्रब करना है। करने के बाद आप इसको गीले कपड़े से या कोई गीला टॉवल है उससे आप इसको पोंछ दीजिए। आप इसमें जो रिज़ल्ट हैं इंस्टेंट रिज़ल्ट देखेंगे, आपके जो लिप्स हैं वो पिंक हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लगाइए अपना जो हमने DIY लिप बाम बनाया है वो यहाँ पर लगाइए। तो फ्रेंड्स सोने पे सुहागा वाली फीलिंग आएगी और जो इफ़ेक्ट है वो भी। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है बेबी ऑयल यूज़ करने का। अब नेक्स्ट है हमारा DIY हेयर सीरम। तो फ्रेंड्स हेयर सीरम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेयर सीरम की आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा नीड है, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे जो बाल हैं टेंशन से या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वातावरण है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, तो हमारे जो बाल हैं रूखे बेजान हो चुके हैं। फ्रेंड्स बाज़ार के जो हेयर सीरम्स आते हैं एक तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस उसमें जो केमिकल्स हैं वो भी हो सकते हैं, उसकी भी हमें श्योर गारंटी नहीं है। बट जो हम घर में बनाएंगे हमारा हेयर सीरम उसकी हमें चीज़ पता है उसमें क्या डाला है और वो हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और हमारे बालों को सिल्की एंड शाइनिंग बनाएगा। तो उसको देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। आपको एक इस तरह की बॉटल ले लेनी है जिसमें से आपका जो ऑयल है अच्छी तरीके से डिस्पेंस हो जाए, ऑयल डिस्पेंसर ले लेना है, कैसी भी आप शीशी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको 3/4 या आप आधी शीशी आप बेबी ऑयल से भर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें ऐड करनी है रोज़ पेटल। जी हाँ दोस्तों, रोज़ पेटल आपको इसमें ऐड करनी है जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों पर भी, और एक बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू भी ऐड कर देती हैं जो हमारे स्किन को, रोज़ ऑयल होता है वो आप अपने बालों में लगाएंगे तो फ्रेंड्स आपके बाल हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, प्लस आपका जो माइंड है वो भी बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करेगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स सीरम जो मार्केट के आते हैं आप नीचे नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स ये वाला जो सीरम मैं बता रही हूँ इसको आप अपनी जड़ों में भी यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑयल प्लस सीरम आपका बनकर तैयार हो जाएगा। रोज़ पेटल डाल दी, उसके बाद आपको इसमें डालना है विटामिन ई के 2 कैप्सूल, या फिर अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल, वो प्योर वाला जो होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 2 से 3 दिन इसको बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिए, 2 दिन तक आप इसको मत टच कीजिए। उसके बाद आप देखेंगी तो रोज़ ने भी अपना इसमें जो अर्क है वो ऐड कर दिया होगा और सारी जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी वो सारी इन्फ्यूज़ हो जाएंगी एक दूसरे में, जो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देंगे हमारे बालों को। तो फ्रेंड्स हमारे बाल सिल्की एंड सॉफ्ट तो हो ही जाएंगे, जो हमारे स्प्लिट एंड होते हैं फ्रेंड्स वो भी उसको भी ये क्योर करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे बालों में कोई भी स्प्लिट एंड वगैरह नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो ये तेल है ये रेगुलर यूज़ करती हूँ आफ्टर हेयर वॉश। डेली बेसिस पे मैं ये जो ऑयल है इसको ट्राई कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे बच्चे हैं वो भी उस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं और फ्रेंड्स रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें पहले मैंने बनाई ट्राई की, उसके बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड दोनों चीज़ें हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पर। तो फ्रेंड्स इसको यूज़ कैसे करना है, आफ्टर हेयर वॉश आप इसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर अपने जो नीचे के बाल हैं वहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बालों की जड़ों में इसको लगाना चाहें थोड़ा थोड़ा सा लेकर तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही लाइट ऑयल है और जैसे कि और सारे ऑयल्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, हमारे जो बाल हो जाते हैं चिपकू चिपकू से नज़र आते हैं, बट ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा लाइट है, विटामिन ई से भरपूर है, जो हमारी स्किन एज वेल एज हमारे हेयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसको यूज़ करना बहुत आसान है और बाल हो जाएंगे हमारे बिल्कुल रेडी टू ग्रो। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के बेबी ऑयल के हैक्स।
आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको बनाकर ज़रूर देखिए और जब बन जाएँ ट्राई कर लें तो मेरे को कमेंट आके ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों के साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा। तो फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ईगरली। सारी चीज़ें ट्राई कीजिए एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।